Standard 8, Chapter Data Handling, Topic Exercise 5.2. तो एक्सरसाइज 5.2 में प्रीवियस लेक्चर में मैंने दो क्वेश्चन आपको करवाए थे और दो अपने हिसाब से करने का बोला था, तो ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए। अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो बचता है ना, वो थोड़ा सा आपको अलग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। मीन्स एक डेटाबेस दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है कि लैंग्वेज का दिया हुआ है, तो लैंग्वेजेस लिखी हुई है ऊपर, और नीचे जो आपको दिया हुआ है ना वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। तो लैंग्वेज वर्सेस नंबर ऑफ स्टूडेंट का पाई चार्ट आपको बनाना है। तो लैंग्वेज कौन कौन सी है? तो गुजराती, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, सिंधी, ये लैंग्वेजेस है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40, 12, 9, 7, 4। अब देखो टोटल 72 है ना, वो टोटल स्टूडेंट है। हमको पता है पाई चार्ट में हमारा टोटल एंगल कितना रहता है, पाई चार्ट में टोटल एंगल। तो देखो फिर से एक बार पाई चार्ट, तो ये आपका सेंटर, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो ये आपका जीरो हो गया, ये आपका जीरो, जीरो से होके यहाँ पे 90 से होके यहाँ पे 180 से होके यहाँ पे 270 और 270 से होके यहाँ पे 360। तो टोटल पाई चार्ट में टोटल कितना रहता है? 360 एंगल। कितना रहता है टोटल? 360 एंगल। और हमको टोटल स्टूडेंट कितना बोला है? 72। तो देखो सिंपल एक स्टेप बनाता हूँ कैसे, कि अगर 72 स्टूडेंट है ना, 72 स्टूडेंट है, तो हमारा टोटल एंगल कितना बनता है? 360। तो टोटल एंगल कितना बनता है? 360। देखो हमको यहाँ पे स्टूडेंट्स दिए हुए 40, 12, 9, 7, 4। तो देखो अगर मुझे पता चले कि जो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट वो कितना एरिया कवर करता है, तो मैं उसका मल्टीप्लाई करके इन सबके फाइंड कर सकता हूँ। तो वही करते हैं। देखो तो 72 अगर स्टूडेंट है ना, तो उनका टोटल एंगल रहता है 360। कितना रहता है? 360। तो अगर वन स्टूडेंट की बात हो रही है, तो वन स्टूडेंट के लिए एंगल कितना रहेगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 72। तो वन स्टूडेंट का एंगल कितना रहेगा? 360 डिवाइडेड बाय 72। तो 360 से ये 10 हो गया, 360 से ये 2। तो एक जो है ना वन स्टूडेंट, वो 5 एंगल कवर करता है। कितना? 5। वन स्टूडेंट है वो कितना एरिया कवर करता है? 5। तो अभी वन बाय वन चलते, देखो पहले गुजराती दिया हुआ है, तो गुजराती में कितना है? 40। गुजराती में कितने स्टूडेंट्स है? 40 स्टूडेंट्स है। हमको पता है एक स्टूडेंट अगर रहेगा तो वो 5 एरिया कवर करता है, 5 डिग्री। तो 40 रहेगा तो 40 × 5, तो ये जो एरिया रहेगा वो 200 रहेगा। कितना रहेगा? 200। तो 0 से होके आप 200 पे जाओ, तो ये कितना है? गुजराती, गुजराती का कितना है? 40 × 200। तो ये 0 से स्टार्ट होके ये 180 तक हो गया, और 180 से थोड़ा नीचे तो ये 200 आ गया। तो इतना एरिया रहेगा किसना? 0 से स्टार्ट होके 200 तक। तो ये जो शेड वाला पार्ट है, ये जो शेड वाला पार्ट है वो आपका हो गया गुजराती का। क्या होगा? ये गुजराती का पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड आपको दिया हुआ है 12, तो अगेन इंग्लिश में कितने दिए? 12। तो 12 स्टूडेंट, फिर से 12 × 5, तो 12 × 5 मीन्स 60। तो हम 200 तक तो पहुंच गए थे, 200 प्लस 60 तो हो जाएगा टोटल 260। तो हमको कितने तक जाना है? 260। 200 से स्टार्ट होके 260, यहाँ पे 270 है तो 260 यहाँ पे आएगा। तो ये इतना हो गया 260 तक एरिया, इतना 260 का तक एरिया जो है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका होगा इंग्लिश का, ये वाला पार्ट आपका हो गया इंग्लिश का। तो हम कहाँ तक पहुंचे? 260 तक। अब उर्दू में 9 स्टूडेंट है, उर्दू में कितने हैं? 9। तो 9 × 5 तो हो जाएगा 45। अभी 45, लेकिन हम पहुंचे थे कहाँ पे? 260। तो 260 और दूसरा 45, तो 260 और 45, तो 305। तो यहाँ पे 270 हो गया, 270 से आगे 35 जाओ तो यहाँ पे आएगा 305। यहाँ पे क्या आएगा? 305। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये 305 तक का पार्ट, ये आपका पार्ट हो गया उर्दू का, ये किसका पार्ट हो गया? उर्दू का। अब आगे जाओ तो हिंदी में 7 है, 7 हिंदी में 7, 7 × 5, तो 7 × 5 मीन्स 35। तो ये 305 तक पहुंचे थे, तो 305 + 35 तो 340। कहाँ तक? 3
40, तो 305 ये यहाँ पे 360 है, तो 340 शायद यहाँ पे होगा, तो ये 340, तो ये वाला जो पार्ट हो गया इतना, ये वाला जो पार्ट आपका हो गया वो किसका हो गया, हिंदी का होगा, ये किसका हो गया, हिंदी का हो गया। और ये जो देखो 340 से 360, तो ये एक ही बचा है, तो ये सिंधी का होना चाहिए, अभी हमने फाइंड नहीं किया लेकिन ये सिंधी का होना चाहिए, तभी हमारा पार्ट पाई चार्ट सही है। अगर 340 से 360 पार्ट सिंधी का नहीं है तो जो हमने पार्ट पाई चार्ट ड्रॉ किया वो गलत है, तो सही है कि नहीं तो फाइंड करो। तो सिंधी के कितने स्टूडेंट है, 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना हो गया 20, तो ये आ गया 20, तो 340 से 20 प्लस करोगे तो अगेन हम जहां से स्टार्ट किया था वहां तक पहुंच गए, तो जहां से स्टार्ट किया था वहां तक पहुंच गए मींस आपका पाई चार्ट सही है। ओके, तो ऐसे ही गुजराती में 200, यहाँ पे 260 तक, फिर यहाँ पे 305 तक, यहाँ पे 340 और यहाँ पे 360।